हर दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है ऋषि टेक। तो आज हम करने वाले हैं एक और नए अर्निंग एप्लीकेशन का रिव्यू जिसका नाम है एसआई कैलकुलेटर। इसका आइकन कुछ इस प्रकार का है। ये आपको आसानी से प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसके रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं, डाउनलोड हैं, वो सब चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो अर्निंग एप्लीकेशन है वो काम किस तरीके से करता है उस चीज़ के बारे में, और यहाँ पर आपको कितने प्रकार के अर्निंग फीचर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, कितने प्रकार के यहाँ पर आपको रिडीम फीचर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप कोई भी अपनी जीमेल की जो आईडी होती है उसको यूज़ कर सकते हो, उसके द्वारा आप आसानी से लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास में रेफर कोड हो तो भर दीजिए, ना हो तो इसके आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो गो टू एप्लीकेशन पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे पूछता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ROI हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप इसको भर देते हो फिर आगे आप प्रोसीड करवाते हो तो फिर से आपको ये चीज़ भरनी पड़ती है। ठीक है, तो इससे आप पीछा छुड़ा सकते हो। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली सा ये जो लोगो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। कितनी बार, 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे ही आप 10 बार क्लिक करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐप जो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के अर्निंग फीचर्स आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर जो पहला अर्निंग फीचर अवेलेबल करवाया जा रहा है वो वीडियो ऐड है। ठीक है, जहाँ पर आप वीडियो देखकर अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो अर्निंग फीचर अवेलेबल करवाया जा रहा है वो सर्वे का है। ठीक है, जहाँ पर अगर आप सर्वे देते हो तो उससे आपको 5 कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो अर्निंग फीचर है वो आपका है इनवाइट फ्रेंड। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आसानी से अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकते हो। जैसे अपने फ्रेंड को आप इनवाइट करोगे तो वहाँ से भी आपको $0.01 की अर्निंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि यहाँ पर तो आपने अर्निंग कर ली कैश में, इसको कन्वर्ट किस तरीके से करना है उस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर आपको सिंपली सा कन्वर्जन का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका जो कैश होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये कब कन्वर्ट करता है, जब आपका लीडर बोर्ड का जो काउंटडाउन टाइम होता है वो समाप्त हो जाता है, उसी के बाद ये आपका कन्वर्जन करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें रिडीम के क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उस चीज़ के बारे में। तो उसके लिए आपको सिंपली वॉलेट पे आ जाना। जैसे आप वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो एक ऐड शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐड को हम लोग कट कर देते हैं। हम लोग ने ऐड को कट कर दिया। अब सिंपली आपको क्या करना है, प्लस के ऑप्शन दिख रहा होगा उस पर आ जाना। जैसे आप प्लस के ऑप्शन पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैथड सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में 2 मेथड दिए जाते हैं। पहला होता है पेपल के थ्रू आप रिडीम लगा सकते हो, दूसरा होता है पेटीएम के थ्रू आप रिडीम लगा सकते हो। जो आपको सुटेबल लगे उसके थ्रू आप रिडीम लगा सकते हो आसानी से। लेकिन पेपल के थ्रू अगर आप रिडीम लगाते हो तो पेपल का एड्रेस आपको देना पड़ेगा। पेटीएम के थ्रू अगर रिडीम लगाते हो तो वहाँ पर आपको पेटीएम नंबर देना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें मिनिमम रिडीम अमाउंट कितना रखा गया। तो इसमें मिनिमम रिडीम अमाउंट रखा गया है $5 का। ठीक है, यानी कि जैसे आपके अकाउंट पे $5 तक का हो जाते हैं तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, आसानी से रिडीम लगा सकते हो इस ऐप के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे। सायोनारा। ये एप्लीकेशन